नमस्कार, प्रदेश के बुलेटिन के साथ मैं हूं आपके साथ अंकित। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में चुनावी जंग जीतने के लिए राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बार मुकाबला सिर्फ एक से नहीं बल्कि अन्य कई राजनीतिक दलों से भी है। ऐसे में भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वहीं सरकार को बागियों का भी डर सताने लगा है, जिसके चलते मुख्यमंत्री खुद चुनाव में मोर्चा संभाले हुए है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 230 विधानसभा के उम्मीदवारों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान उम्मीदवारों से अपने अपने क्षेत्र की जमीनी हकीकत जानी और जीत के टिप्स दिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इसे वचन पत्र बताया है। जो वादे किए जा रहे हैं सरकार बनने पर पूरे किए जाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसान, युवा, महिला, मजदूर, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग समेत व्यापारी और उद्योगों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। इस दौरान कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय सिंह और दिग्विजय सिंह मंच पर उपस्थित रहे। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। नामांकन के बाद भाजपा को फिर बड़ा झटका लगा है। भाजपा विधायक नीलम मिश्रा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। अब वे किसी दल में न जाकर अपने पति और रीवा से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा के पक्ष में प्रचार करेंगी। हैरानी वाली बात यह है कि 5 साल विधायक रहने के बाद भी नीलम मिश्रा भाजपा की प्राथमिक सदस्य नहीं बन पाई थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के वचन पत्र और बीजेपी के दृष्टि पत्र में अंतर है। कांग्रेस झूठ के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि भाजपा जनता के बीच सच लेकर जाएगी। वहीं उन्होंने बीजेपी के दृष्टि पत्र को लेकर कहा कि बीजेपी का दृष्टि पत्र सच और वास्तविकता के आधार पर होगा। दृष्टि पत्र सच्चा हो इसलिए हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वहीं आज मीडिया से चर्चा के दौरान सिंधिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के वचन पत्र का विमोचन कर प्रदेश की जनता की सेवा का संकल्प लिया। हम बदला लेना नहीं, बदलाव लाने आए हैं। हमारी सोच सकारात्मक, प्रगतिशील और एक नए सवेरे की सोच है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। गुस्सा आता है जब किसानों के हक का पैसा जन आशीर्वाद यात्राओं में खर्च हो जाता है, जब जनता के स्वास्थ्य का पैसा बड़े बड़े आयोजनों में उड़ जाता है, और गुस्सा आता है जब बच्चों की शिक्षा का पैसा गलियों में होर्डिंग बनके टंग जाता है, जब कर्ज में डूबी हुई सरकार का खजाना विज्ञापनों में खाली हो जाता है। मैं मध्य प्रदेश का एक नागरिक हूँ और अब मुझे भी इस विज्ञापनों वाली भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।